यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटोरी ऐड करी हूँ रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर 4 बड़े तेज़ पत्ता ऐड करेंगे और खड़े मसाले साइड में लिख दी हूँ आप देख लीजिएगा, और 2 बड़े कटे हुए प्याज ऐड करी हूँ। सारे इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आधा फूल ऐड करी हूँ मैंने, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके बता देना। और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी हूँ, इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 मिनट भून गया है। यहाँ पर मैंने कीमा ली हूँ, कीमा हमने हाथ से बना हुआ लिया है, हाथ से बना हुआ कीमा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दी हूँ भर के, चम्मच का क्वांटिटी आप देख ही सकते हो कितना आ रहा है। इसे हम अच्छे से भूनेंगे क्योंकि कीमा जो होता है अगर आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तो इसका जो स्मेल आता है कच्चे गोश्त का, तो आप इसे अच्छे से भून लीजिए। इसका पानी जब पूरा जल जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, पूरा तेल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो कीमा है अच्छे तरीके से भुन गया है, इसका पूरा पानी जल गया है। आप चाहे तो इसे नमक डाल के ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये पूरा रेडी हो चुका है, ये भुना हुआ कीमा है। ओके, सफ़र में भी अगर आप चाहें तो ऐसा खा सकते हैं, जैसे कहीं घूमने उमने जाते हैं पराठा चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो हम लोग बनाएंगे इसका मसाले वाला सालन बनाएंगे, तो सालन के लिए आपको दूसरा लेना है। यहाँ पर थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया था, पूरा तेल इसके अंदर चले गया था, तो मैंने प्लेट को दबा के ऐसे पूरा तेल निकाल ली, 1 मिनट में पूरा मेरा तेल रिमूव हो गया। यहाँ पर मैंने फिर से इसे चढ़ा दी हूँ, ये देखिए अब तेल मेरा गर्म हो रहा है। अब हम लोग लेंगे यहाँ पर 6 आलू, तो आप आलू की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने आलू को बारीक नहीं की हूँ, बस छील के धुल के एक में से दो दो कर दी हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कीमा आलू का तो मज़ा ही कुछ और होता है अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फास्ट पे भून लेंगे। ओके, भुना हुआ आलू बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पानी डाल के एकदम बारीक पेस्ट बना ली हूँ, तेल गरम करना है आपको और मसाले को उसी में डाल देना है इस तरीके से। और हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें जो हमारा मसाला पड़ा रहेगा उसके अंदर, ठीक है। और ऐसे देखो आप काचेंगे ना, यानी जब आप निचोड़ेंगे तो ऐसे और भी तेल निकलेगा, आपको और तेल नहीं डालना है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे हमें मसाला जब तक भूनना, जब तक इसका पानी जल नहीं जाता। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हमारा कीमा, कीमा को आपको ऐड कर देना है, इसे हम फिर से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए, जिसमें मसाला अच्छे से भुन जाए। और फिर यहाँ पर मेरे तले हुए आलू भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, रोज आपको न्यू न्यू व्लॉग्स मिलेंगे। स्वाद अनुसार हम ऐड करेंगे नमक, नमक आपको ध्यान से डालना है। ओके, अब यहाँ पर हम लगाएंगे सालन के लिए आपको पानी जितना आप चाहे उतना डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1 मग्गा पानी डाली हूँ, थोड़ा सालन रहेगा और थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, हम लोग को वैसा पसंद है, जिसमें आप चावल के साथ भी खा ले और रोटी के भी साथ खा ले। ये देखिए कम से कम 3 सीटी लगी है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा और पतला कर ली थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसमें आपको मेरे व्लॉग्स मिलते रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।